हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले जरा बताएंगे आप। इमरान खान ने हुकूमत कुर्बान की लेकिन गुलामी कबूल नहीं की। अली मोहम्मद खान एग्रेसिव स्पीच। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की, हद से ज्यादा रिक्वेस्ट थी इसकी कि मोहम्मद अली मोहम्मद खान की स्पीच पे रिएक्ट करें। मैंने कहा चले देखते कौन है, और ये शायद पीटीआई से है तो इससे इमरान खान का जिक्र कर रहे हैं। चले देखते हैं इन्होंने ऐसी क्या स्पीच की जो ट्रेंडिंग पर है अभी। और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वीडियो उधर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। हियर वी गो। मुबारक अला सैयदना मोहम्मद। आज 10 अप्रैल है। ओके, ये है बड़ा अहम दिन पाकिस्तान की तारीख का। लेकिन आज से मैं बहुत साल पहले आपको ले जाना चाहता हूँ पीछे। 16 अप्रैल 1938 को मोहम्मद अली जिना, जिनकी तस्वीर के साए में हम सब बैठे हैं, उन्होंने फरमाया था, कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे, कोई मफहूम इस तरह का है कि अ मुसलमान अ मुस्लिम इज नॉट बॉर्न टू गिव अप। इफ ही इज फोर्स्ड टू बी एनस्लेव्ड ही विल बिकम बाबर, ही विल इमर्ज एज सुल्तान टीपू। He'll happily embrace martyrdom, but he'll not accept slavery. Nice. और मुझे इस बात पे फख्र है, खुशी है कि मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूं जिसका नाम इमरान खान है, उसने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की। मतलब यहाँ आज आपके चेहरों पे खुशी है, अल्लाह आपको खुश रखे। आज मैंने जिस तरह पहले दिन अपनी ड्यूटी संभाली तो इमरान खान के एक सिपाही की तरह, और रियासत पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के एक खादिम के तौर पे आज पार्लियामानी उमूर की मेरी ड्यूटी तमाम हुई। ओ, ये नीचे क्या चल रहा है? आज का दिन जहां बहुत से चेहरों को खुशी देते हुए जा रहा है, वहां बहुत से सवाल भी छोड़े जा रहा है। क्या सवाल? मैंने आज ऐवान में मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब को भी देखा, बेइज्जत पार्लियामानी उमूर के वजीर को, मैं उनको वेलकम करता हूं। लेकिन एक सवाल तारीख उनके लिए भी छोड़े जा रही है कि जिस शख्स, जिस मर्द हुर, जिस मर्द बहरान को मेरे मोहतरम मौलाना साहब यहूदी और अमरीकी एजेंट कहते थे, ये कैसा एजेंट था जिसको हटाने के लिए अमरीका ने ईडी और चोटी की जोर लगा दी। अमरीका ने हटाया? मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा तू जुल्मतों का पाला, मैं तलू हो रहा हूं तू गरूब होने वाला। आरजी नाकामी शिकस्त का मुतबादल नहीं। हम सब मुसलमान हैं और हमारी तारीख भरी पड़ी है। मैं किसी की तरफ कोई तशबीह नहीं देना चाहता क्योंकि हमने यहां, मेरा ये 9वां साल है इस पार्लियामान में, लेकिन याद रखिए मेरी बात, मैदान करबला में आरजी शिकस्त जरूर हुई थी हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, लेकिन दुनिया उनको याद रखती है। प्लीज नो क्रॉस टॉक, प्लीज प्लीज नो क्रॉस। सबने हजरत इमाम हुसैन के नक्शे कदम बात करने का प्लीज, और आप बर्दाश्त कीजिए, मैं आपके नारे, आपकी हुटिंग, आपकी खुशियां बर्दाश्त की है मैंने। और हम सब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैरोकार हैं, और ये मैसेज हर उस शख्स के लिए जो आजादी का पैरोकार है, जो गुलामी के खिलाफ है। आपके दिल में तमन्ना थी कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी हुकूमत खत्म हो। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे मेरा लीडर एक बार फिर आएगा। इंशाल्लाह इस कुर्सी पे इमरान खान साहब फिर आएगा, अवाम की ताकत से आएगा, दो तिहाई से आएगा। बर्दाश्त करें, थोड़ा सब्र करें, बर्दाश्त करें। हर इमरान खान साहब का गुनाह क्या है? इमरान खान साहब का गुनाह ये है, मेरे छोटे भाई हैं लेकिन लीडर है, मैं एहतराम से नाम लूंगा, बिलावल साहब बैठे हैं, बिलावल साहब, इमरान खान साहब का गुनाह ये है कि जब आपके नाना ने आज से सालों पहले इसी इस्लामाबाद में मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया, तो उन्होंने एक बार इकट्ठा किया और मेरे लीडर इमरान खान साहब ने 2 महीने में 2 बार इकट्ठा किया अल्लाह ताला की तरफ से।
इसी ओआईसी की कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने, मैं वहां से देख रहा था, आप हंसते जाएं, आपके हंसने से मेरे हौसले कम नहीं होंगे। मेरे पीछे भी करोड़ों लोग खड़े हैं, मेरे लीडर के पीछे भी करोड़ों लोग खड़े हैं, और हम दुश्मन नहीं हैं, हमने मिलकर पाकिस्तान को बनाना है, लेकिन आपके तरीकेकार से हमें इत्तेफाक नहीं। वहां पे इमरान खान साहब ने खड़े होके जब उन सुन रहे थे, उन्होंने यहां स्पीच करते हुए फरमाया, वक्त साबित करेगा कि कौन असली शेर है। आपके अल्फाज आपको मुबारक हों, वकूल उल्ना से हुस्ना, मेरी तरबियत ऐसी नहीं हुई। इमरान खान साहब ने कहा कि हम मुस्लिम ब्लॉक बनाएंगे। इमरान खान साहब ने मुस्लिम ब्लॉक की बात की, ये उनका गुनाह है। इमरान खान साहब ने आजाद खारजा पॉलिसी की बात की, ये उनका गुनाह है। मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि रूस सिर्फ बहाना है जनाब चेयरमैन साहब, मोहतरम अयाज सादिक साहब, कि रूस सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है। इमरान खान का गुनाह ये है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हुए खत्म नबूवत की बात की, इस्लामिक उम्मा की बात की, मदीना की रियासत की बात की, इमरान खान का गुनाह ये है कि उसने साम्राज्य के सामने खड़े होकर ये बात की कि एब्सोल्युटली नॉट। ओ यार बहुत जोश में है यार। बसत एहतराम, बसत एहतराम परवेज अशरफ साहब भी तशरीफ फरमा है, और मेरे ख्याल में गैलरीज में साबिक वज़ीर आज़म मोहतरम गिलानी साहब भी तशरीफ फरमा है। मेरे अपोजिशन लीडर वहां पे रहे, आपके साथ सेनेट में मैंने बड़ा काम किया, लेकिन जनाब चेयरमैन साहब एक वो भी वक्त था, दुनिया ने देखा कि यहां पे अमेरिकन बूट्स आए, एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, और एक ये भी वक्त है कि वो वहां मंसूबे बनाते रहे कि अगर इमरान खान की हुकूमत ना गिरी तो पाकिस्तान, थिंग्स विल गेट टफ फॉर पाकिस्तान। और ये भी कहते हैं कि हां अगर इमरान खान की हुकूमत गिर गई और अदम एतमाद जो आपने अभी कामयाब की है कामयाब हो गई, तो हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे। मेरे चेयरमैन साहब अल्लाह के ननानवे नामों के नीचे बैठ के हम माह रमजान में अल्लाह से माफी के खासगार हैं, अमरीका से माफी के खासगार नहीं, लेकिन फिर भी आप जीते हैं आज, अमरीका को अंग्रेज से बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ये मेरी बात याद रखिएगा, ये मेरी बात याद रखिएगा जनाब चेयरमैन साहब, चलते हैं दबे पांव के कुछ जाग न जाए, चलते हैं दबे पांव के कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। दोबारा सुनाओ। चलते हैं दबे पांव के कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। जनाब चेयरमैन साहब, मुझे इस बात पे फख्र है कि मेरा लीडर खड़ा रहा, झुका नहीं, बिका नहीं, डरा नहीं, आखिरी गेंद तक खड़ा रहा। और इमरान खान का आप क्या मुकाबला करोगे, आपके बीच से। तो आखिर में जनाब चेयरमैन साहब, आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, जनाब चेयरमैन साहब, मेरी दुआ है मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान आगे बढ़ता रहे, मेरी दुआ है कि मुल्क को, पाकिस्तान को मजबूत करते रहे, लेकिन इंशाल्लाह मेरा अल्लाह कहता है वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, और कह दीजिए मेरे हबीब कि जब हक आता है तो बातिल मिटता है, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। जल्द इमरान खान साहब इंशाल्लाह अवाम की ताकत से एक बार फिर इसी कुर्सी पे विराजमान होगा, दो ढाई अक्सरियत से होगा, और इंशाल्लाह इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मेरे करोड़ों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और वोटर्स और सपोर्टर्स को आज की ये डिफेंस, आज का ये खड़ा होना और आपका आज की रेजिस्टेंस मुबारक हो। आज भी पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो साम्राज्य के सामने खड़े हैं, जो अमरीका के सामने खड़े हैं, जो यहूद और हदूस के सामने खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। अमीर हैदर होती बहुत ही जोश था इनका ना, मतलब फैन लग रहे थे इनके, इमरान खान के, लेकिन फैन नहीं है वो, मतलब इनके वो है फैन मूवमेंट भी था इनका, मतलब के मतलब सपोर्ट पूरी इमरान खान को कर रहे थे ये। और मतलब अमेरिका ने ऐसा क्या किया, मतलब कि गुलामी का वर्ड यूज हो रहा है, या फिर अमेरिका दबाना चाहता था इमरान खान को किस बारे में, ये भी कमेंट करके बताना। और क्यों इमरान खान की हुकूमत पसंद नहीं आ रही थी उसको, अमेरिका को, ये भी बताना। और
अभी इलेक्शन कब है ये भी बताना, इलेक्शन कब है ये भी बताना, और वापस आएंगे इमरान खान के नहीं, क्योंकि आपको आप ही वोट करने वाले, आपको पता होगा कि आप वोट करेंगे कि नहीं, कमेंट करके बताएं। कमेंट जिसके ज्यादा हो गए मैं समझ जाऊंगा कि इमरान खान के सपोर्टर है या फिर वो कौन है यार पानी वाला, और वो मुझे क्यों निकाला मुझे नाम नहीं पता उनके, लेकिन वो शहबाज शरीफ कुछ बोल रहे थे वो बने हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये कमेंट करके बताना शहबाज शरीफ वो नवाज शरीफ के भाई है या बेटे है कौन है, कमेंट करके बताएं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।